नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज सिंप्लीकेशन यानी कि सरलीकरण का पार्ट टू है, यानी टाइप टू। अगर आप टाइप वन यानी कि पार्ट वन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिए। एकदम छोटी छोटी बातें बेसिक से बड़े स्तर तक एक टाइप में जो बता दिया है सवाल, उन सवाल आपका छोटा से लेकर के बहुत बड़ा तक, यानी जितने भी उस टाइप में सवाल आएगा वह सभी सवाल को बता दिए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक नंबर टू। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर एक कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर थ्री है तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसी का सूत्र जो है कि ये आपका यहाँ है, जैसे कि आपको दिया हुआ है x प्लस वन बाय एक्स बराबर के, यानी इस जगह कुछ भी संख्या आ सकता है दोस्तों, और तब उसे क्या किया गया, स्क्वायर किया गया है, तब उसी संख्या को स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर जो इतना कर देना है के, यानी कि यह संख्या जो यहां दिया रहेगा उसे स्क्वायर कर देंगे और उसमें दो माइनस कर देंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपका यहां दिया हुआ है यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर थ्री है तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ आपका 8, 9, 27, 7, तो इनमें से कौन सा होगा। बस इसी के क्या करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है इसका मान x प्लस वन बाय का मान दिया हुआ है आपको 3, तो हमको पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर पूछा है, तो इसका मान कितना होता है यानी k स्क्वायर माइनस 2, तो k का मान यानी कि यह मान कितना दिया हुआ है, k का मान 3 है, तो 3 पे स्क्वायर माइनस 2, तो आपका आ गया 9 माइनस 2 यानी कि 7। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, 7 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी स्क्वायर वाले हम पूछे दोस्तों, तो बस यही करना है। देखा, ध्यान रखिएगा प्लस प्लस दोनों, तो इस तरह से माइनस रहेगा तो उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न लाएंगे उषा भी। तो सवाल नंबर दो दोस्तों बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप तुरंत बनाए थे। कहना यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों देख रहे हैं सेम यही है, सेम फॉर्मूला यही है, मतलब दिया x प्लस इतना k, यानी इस जगह कुछ भी संख्या आएगा तो क्या करेंगे, अगर इतना मान पूछे हमसे, इतना मान पूछे तो क्या करना है, के स्क्वायर माइनस मतलब जो यहाँ संख्या दिया जाएगा उसे स्क्वायर कर देंगे और 2 को घटा देंगे, केवल ये स्क्वायर बनाओ में और प्लस प्लस दोनों रहे। तो क्या कर रहे हैं, x प्लस वन बाय एक्स बराबर दिया हुआ है 2, तो हमें पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछा है, तो क्या करेंगे यानी के स्क्वायर माइनस 2 ये करेंगे, तो जो संख्या यहां दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे, तो हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया, तो 2 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब माइनस वाला को। तो चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल और एक सवाल था वैसा ही ले लिया। तो कह रहा है सवाल x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट टू है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का मान क्या होगा। यानी दोस्तों इसी फॉर्मूला पर यह सवाल भी बनेगा। सवाल आप देख रहे हैं समझ गए कि कह रहा है x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट टू हो तो x स्क्वायर का मान कितना है। तो आप जान रहे हैं कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर कितना दिया आपका 2, इतना दोस्तों लिखना जरूरी नहीं है, तो आपका क्या पूछा है x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए आपका सवाल डायरेक्ट बन जाएगा आपका मान कितना दिया हुआ है, तो इसे सिर्फ याद रखिए, अगर ऐसा पूछा रहे तो जो संख्या यहां दिया रहे उसे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो डायरेक्ट इसको करिए रूट टू दिया हुआ है इसको स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए, तो हो गया आपका यहाँ तो यहाँ आ गया 2 माइनस 2 यानी कि 0 आ गया। तो चलिए आपका इस ऑप्शन का 0 ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आपने x प्लस वन बाय एक्स बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, तो आपने प्लस वाला सीख लिया, अब यहाँ माइनस वाला होगा क्योंकि ये आपका हो चुका
इसमें दोस्तों दोनों प्लस में था और माइनस में निकालते थे आंसर, लेकिन यहाँ क्या है, एक माइनस में दिया रहता है और प्लस में पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल देखिए यहाँ पे लिखे हैं। कह रहा है सवाल, यदि x माइनस वन बाय थ्री है तब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, जैसे आप जान रहे हैं कि एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर कितना दिया आपका 2। इतना दोस्तों लिखना जरूरी नहीं है। तो आपका क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए आपका सवाल डायरेक्ट बन जाएगा, आपका मान कितना दिया है। तो इसे सिर्फ याद रखिए, अगर ऐसा पूछा रहे तो जो संख्या यहाँ दिया रहे उसे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो डायरेक्ट इसको करिए, रूट 2 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए, तो हो गया आपका यहाँ सॉरी तो यहाँ आ गया 2 - 2 यानी कि 0 आ गया। तो चलिए आपका इस ऑप्शन का 0 ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, आपने x प्लस वन बाय एक्स बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2, तो आपने प्लस वाला सीख लिया है, अब यहाँ माइनस वाला होगा क्योंकि ये आपका हो चुका। इसमें दोस्तों दोनों प्लस में था और माइनस में निकालते थे आंसर, लेकिन यहाँ क्या है, एक माइनस में दिया रहता है और प्लस में पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल देखिए यहाँ पे लिखे हैं। कह रहा है सवाल, यदि x माइनस वन बाय थ्री है तब x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर का, सवाल में अगर जब प्लस में दिया रहे और प्लस में पूछे तो वहां के स्क्वायर माइनस 2 करना है, अगर माइनस में सवाल दिया रहे और पूछ रहा है प्लस में तो वहां आपको जोड़ देना है। जैसा कि यहां देखिए सूत्र लिखे हैं, ये माइनस में सवाल यहां पे कुछ भी दिया रहेगा, x माइनस वन बाय एक्स बराबर 2, 3, 4, 6, 8 कुछ भी दिया रहे तब उसे स्क्वायर में पूछा जाए और वह प्लस में तो जोड़ देंगे, माइनस में दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर प्लस में दिया रहेगा तो घटा देंगे। तो चलिए जैसा कि पहले घटा चुके थे, तो इसे आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 9 हो गया, अब प्लस 2 9 2 11, तो आपका 11 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों पांचवा नंबर सवाल, इसे क्या करना है, सवाल है x माइनस वन बाय एक्स बराबर 2 तब x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसे सवाल देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 4 और प्लस 2 यानी कि 6 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अब अगला जो है कि प्रश्न जो आएगा वह क्यूब लाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यदि x प्लस वन व x बराबर के यानी इस जगह 2, 4, 6, 8 कुछ भी संख्या रहे तब उसे क्यूब में पूछा जाए यानी x क्यूब प्लस वन y क्यूब बराबर, तो क्या करना है के यानी जो यहां संख्या के माने हैं उसे क्यूब कर देना है और माइनस 3k मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसे बदलना है। तो चलिए सवाल देखते हैं, x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 तब x क्यूब प्लस वन बाय क्यूब का मान क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर दोनों प्लस में रहे तो क्या करना है, घटाना है, जैसे कि इस पर हमें देखे थे। तो आपका दिया हुआ है x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, हमें निकालना है x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, क्या करेंगे जो संख्या दिया रहेगा उसको स्क्वायर करना था, तो यानी कि हम k मान लेते हैं, यानी कि इसे हम k माने थे तो k क्यूब माइनस 3k यही करना था। तो चलिए आपका मान दिया हुआ है 5, तो यानी कि 5 पर क्यूब आप माइनस 3 यानी कि 3 याद रखना है, ये आपको याद रखना है अगर थीटा पूछा जाए, तो 3k मतलब कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से इसे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब माइनस 5 दिया 15, तो 15 इसे घटा दीजिएगा, तो 15 जब घटाइएगा तो यह आ जाएगा 110, तो आपका 110 आंसर जो है ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न। तो 6 नंबर सवाल बिल्कुल दोस्तों वैसा ही है, यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस वन बाय
एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं और अगर क्यू बराबर पूछे तो क्या करते हैं, के क्यू माइनस 3k, यानी जो संख्या दिया रहता है। तो कितना दिया हुआ हमको, दो दिया हुआ है, दो पे q और माइनस 3 गुना k कितना था, यानी कि संख्या कितना दिया हुआ है, दो, तो कर दिया। तो ये दो का q कितना हो जाएगा, 8, और ये 3 गुना 6, तो कितना हो गया, 8 में 6 गया तो 2, तो आपका 2 ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो चलिए दोस्तों, अभी आप प्लस वाला देख लेते हैं, अगर दोनों प्लस में है तो माइनस करते हैं, अगर एक माइनस में रहे या दोनों माइनस में रहे तो क्या करते हैं, उसे प्लस में करते हैं। तो चलिए, जैसा कि सवाल कर रहा है x माइनस 1 बाय x बराबर 5, तब x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं k क्यूब प्लस 3k, तो k का मान कितना दिया है, 5, तो 5 पे q प्लस 3, k का मान 5, तो यह हो गया आपका 125। जब 5 को आप 3 बार गुणा करिएगा तो 125 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 दिया 15, तो आप इसे जब जोड़िएगा तो 125 और 15 जो है कि 140 हो जाएगा। 5 5 10 0 बाकी 1, और 2 1 3 1 4, 140 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो सवाल दोस्तों, अभी आप स्क्वायर वाला देख लिए, क्यूब वाला देख लिए, और अब फोर वाला है। तो फोर वाला में भी वैसे ही करेंगे जैसा कि सभी में करते आ रहे हैं। तो देखिए, बस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यही लगेगा। और जब x प्लस इतना बराबर, यहाँ पे कुछ भी 2 4 6 8 कुछ दिया रहे, और उसे क्या, उस संख्या को फोर पे लादना है और उसके ये करना है। आपका यदि x प्लस 1 बाय x बराबर 3, तब x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों सेम इसी तरह सवाल यहां दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या, x के पावर 4 माइनस 4 के पे पावर स्क्वायर और फिर प्लस 2, तो बस यही करना है। तो यहां हमको क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर 4 माइनस 4 गुना 3 पे स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए, आप जब ये 3 को 4 बार गुणा करिएगा तो 81, 4 बार गुणा करिएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 9 × 9 × 27 = 81। दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा आपका 81 माइनस, और ये हो गया 4, और ये कितना था, 9, तो ये 9 हो जाएगा प्लस 2, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 81, ये प्लस प्लस को 81 और माइनस ये 9 चौक 36 प्लस 2, तो ये 2 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस प्लस जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो गया 83 माइनस 36, जब इसे आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 47। तो चलिए, आपका आंसर सी 47 है। तो दोस्तों अभी आप प्लस वाला सीख लिए, अब जो है कि माइनस वाला है, x माइनस 1 बाय x बराबर k, यानी कुछ भी संख्या 2 4 6 8 रहे, तब x पे पावर 4 प्लस 1 बाय x पे पावर 4 बराबर k पे पावर 4 प्लस 4 गुना k पे स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, सवाल आपका दिया हुआ, जैसे कि आप अगर यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला था दोस्तों, हाँ, तो चलिए ये माइनस वाला है, तो माइनस जहां आता है वहां को जोड़ते हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं क्या होगा इसका, k पे पावर 4 प्लस 4 k स्क्वायर प्लस 2, तो कितना दिया हुआ है, 3, 3 पे पावर 4, चलिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना होता है, 3 पे पावर 4 प्लस 4 गुना 3 पे स्क्वायर प्लस 2, तो हो गया आपका ये 3 को 4 गुना करिएगा तो 81 प्लस ये 9 हो गया 9 चौक 36 प्लस 2, तो इसे टोटल को जोड़िएगा दोस्तों, तो कितना हो गया, 8 है 9, और फिर हो गया दोस्तों 8 3 11 119। तो 10 नंबर सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्डमॉस में सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ यानी का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, फिर
जोड़ और घटा का। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम करिएगा, तो ब्रैकेट कितना 7 + 7 + 7 यानी कि 7 को 3 बार जोड़ेंगे, तो हम 3 बार 7 को गुणा करते हैं, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 हो गया। अब भागा 7, अब बटे नीचे आप जानते हैं इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, ये भागा का, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये भागा हुआ है 5 ऊपर और ये 5/5 होगा तो कट के 1 आ जाएगा। अब इधर आपका 5 × 5 = 10 हो गया, तो 10 + 1 तो ये आपका, अब देखिए क्या होगा, ये नीचे 10 + 1 हो गया, अब नीचे क्या होगा, कटा दीजिए, 7 × 21 कट गया 3 बार में, तो ये आपका 3 और नीचे जो हुआ गया दोस्तों 10 × 11 तो आपका 3/11 ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसी तरह से प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में, बस वही करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट और उससे भी पहले होता है रेखा ब्रैकेट, तो रेखा ब्रैकेट तो नहीं है और बोडमॉस कल का चैप्टर में होगा। तो आज जो है इस प्रश्न को अक्सर करके पूछा जाता है, तो चलिए इसमें कितना है, 1 × 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 4 है, तो 4 जो है तो हम इसे 4 से गुणा कर सकते हैं, तो 24 हो जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा 24, और नीचे फिर ब्रैकेट नहीं है, नहीं ऑफ है, नहीं का है, तो क्या होगा इस कट जाएगा, तो 4 × 4 ये कट गया, तो अब इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 तीन बार है, तो 4 × 3 = 12 यानी 12 + 1 और ये ऊपर में नहीं, तो 11 नंबर सवाल बिल्कुल वैसा ही है, ब्रैकेट के अंदर है 4 + 4 तो 11 नंबर प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 4 बार जोड़ा गया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट का जब काम होता है 4 बार जोड़ा गया, तो हम 4 बार से गुणा कर सकते हैं, तो 6 × 6 = 24 हो गया, उसके बाद फिर क्या है ये ब्रैकेट टूट जाएगा, तो ये भागा का सीन आ जाएगा। तो चलिए उसके बाद फिर आप नीचे में देख रहे हैं कि ये चार कट जाएगा, क्योंकि भागा में 4/4 हो जाएगा तो कट जाएगा, बच जाएगा 1 और इसे जो जोड़िएगा 1, 2, 3 बार यानी कि 4 × 12 जाएगा, 4 × 3 जोड़ते हैं 4 को, तो ये 12 + और इधर का 1, तो चलिए अब हो गया इसे कटा देते हैं, ये 6 × 6 = 24 यानी कि 4 बार में कट गया, 12 × 1 = 13 यानी कि आपका 4/13 आंसर आ गया, 4/13 ये सही है। तो प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर कह रहा है 2 + 2 + 2 तो ऊपर में सबसे पहले आप जानते हैं कि बोडमॉस का ब्रैकेट का होता है, तो ब्रैकेट नहीं है, फिर का होता है, का भी नहीं है, फिर क्या होता है भागा का, तो भागा का है तो भागा कर दीजिए, तो ये एक कट गया, तो आपका जब ये दोनों कट गए क्योंकि 2/2 होता तो वो कट के 1 आएगा, अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 + 1 हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे नीचे में तो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 2 × 4 = 6 = 2 = 8 यानी कि ये 8 हो गया, और भागा जब ब्रैकेट टूट जाएगा तो भागा 2, तो अब आ गया आपका ये 4 × 5 और ये कट जाएगा क्योंकि 8/2 होगा, तो 4 × 2 = 8 कट गया, तो नीचे 4 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 × 1/4 यानी कि 4 × 4 = 5 तो ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए।